हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एम डी हेल्प यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रिजल्ट एब्रीवेशन एंड देयर मीनिंग्स, संक्षिप्त परिणाम और उनके अर्थ के बारे में बात करेंगे। जो भी कॉलेज के जो छात्र हैं, वो किसी भी चाहे यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हों, जब वो रिजल्ट डाउनलोड करते रहो तो रिजल्ट में RLA, RLE, CL ये सब लिखा आता है। तो आज हम इस वीडियो में उनके अर्थ के बारे में जानेंगे, क्या उनका अर्थ होता है, चाहे वो MDU से पढ़ रहे हो, चाहे GDU से पढ़ रहे हो, चाहे KUK से, चाहे CBLU से, चाहे IGNOU से, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हों, जब भी उनके रिजल्ट में RLD, CL, RL लिखाता है, उनका अर्थ क्या होता है, तो फिर उनको कहाँ कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, इसके लिए आज हम इस वीडियो में उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर आपके रिजल्ट में UMC या फिर RL लिखा आता है तो उसका मतलब क्या है, अनफेयर मीन्स केस एंड डिसीजन इज स्टिल पेंडिंग। जब आप एग्ज़ाम दे रहे थे उस टाइम आपका केस बंद गया था और उसका अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया, फैसला नहीं लिया गया है, ठीक है दोस्तों, इसलिए आपका रिजल्ट पेंडिंग में है, इसलिए आपके रिजल्ट में UMC लिखा आ रहा है। जब आपका डिसीजन, आपका जो केस है वो क्लियर हो जाएगा, उसके बाद UMC हट जाएगा और आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद अगर रिजल्ट के अंदर RLD लिखा आता है तो उसका मतलब है रिजल्ट लेट ड्यू टू डिस्पेट इन मार्क्स और रोल नंबर। आपका रोल नंबर गलत है, उसके कारण आपका रिजल्ट में RLD दिखा रहा है, या फिर आपके नंबर गलत दिखा रहा है, ठीक है दोस्तों, उसके कारण RLD आएगा। फिर रिजल्ट में जो CL है उसका मतलब रहेगा कैंसिल, आपका रिजल्ट कैंसिल कर दिया गया है। जो RLA है उसका मतलब रहेगा रिजल्ट लेट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मार्क्स, आपके जो नंबर है वो अवेलेबल नहीं है उनके पास, रिजल्ट ब्रांच के पास, ठीक है दोस्तों। RPR का मतलब रहेगा नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर, उन आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है उनके पास, यूनिवर्सिटी की जो रिजल्ट ब्रांच है उनके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वहां पर जमा करवा देना पड़ेगा। जो अगला रहेगा एब्सेंट, एब्सेंट का मतलब रहेगा एब्सेंट इन ऑल थ्योरी पेपर्स, आपने थ्योरी का एक भी पेपर नहीं दिया तो आपके रिजल्ट में एब्सेंट लिखा आएगा, ठीक है दोस्तों। जो PRS रहेगा उसका मतलब रहेगा प्रीवियस रिजल्ट स्टैंड। RLE का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया, नॉट एलिजिबल, आप एलिजिबल नहीं हैं। RLD का मतलब है रिजल्ट लेट टू डिस्पेट मास और रोल नंबर, आपका रोल नंबर अवेलेबल नहीं है उनके पास, या फिर गलत था आपका रोल नंबर। उसके बाद RLMD का मतलब है रिजल्ट लेट टू डिस्पेट इन मास, आपके नंबर गलत हैं इसके कारण आपके रिजल्ट में RLMD दिखा रहा है। RPFD रिजल्ट प्रोविजन फी डिफ़ॉल्टर, आपने अपनी फ़ीस जमा नहीं करवाई है, ठीक है दोस्तों, इसलिए आपके रिजल्ट में RPFD दिखा रहा है, आपको 15 दिन के अंदर अपना फ़ीस यूनिवर्सिटी में जमा करवानी पड़ेगी तब आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपके रिजल्ट में RLA, CLA, RLE दिखा रहा है तो आपको कहाँ कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, आपको यूनिवर्सिटी की रिजल्ट ब्रांच में कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, जो आपकी आप जो भी आपको क्लास की डील कर रहा है उसके पास आपको जाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका रिजल्ट क्लियर हो जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल MDU हेल्प को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।